हेलो गाइज, वेलकम बैक टू चैनल भारतीय बाजार। फिर से एक नई आईपीओ की कल से ओपनिंग हो रही है। अपडेटेड सर्विस आईपीओ टाइमलाइन, कल से दो आईपीओ की ओपनिंग होने वाली है। एक जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आईपीओ, जिसका मैं डिटेल पिछले वीडियो में बना चुकी हूँ और उसका लिंक आपको वीडियो के एंड स्क्रीन में और एंड आई बटन में अवेलेबल होगा, आप वहाँ पर से जाकर के देख सकते हैं। चलिए अभी अपडेटेड सर्विस आईपीओ की इम्पोर्टेंट डेट जान लेते हैं। इसकी ओपनिंग 25 सितंबर कल से होने वाली है, यानी कि मंडे से। इसकी क्लोजिंग 27 सितंबर यानी कि वेडनेसडे को होगी। इसकी अलॉटमेंट है जो 4 अक्टूबर नेक्स्ट वेडनेसडे को है। इसकी रिफंडेड डेट यानी कि जिनका अलॉटमेंट नहीं होगा उनका पैसा जो रिफंडेड किया जाएगा 5 अक्टूबर थर्सडे को। इसका क्रेडिट ऑफ शेयर, जिनका अलॉटमेंट हो जाएगा उनके अकाउंट में जो शेयर क्रेडिट किए जाएंगे 6 अक्टूबर फ्राइडे को। और इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो लिस्टिंग डेट इसकी 9 अक्टूबर की है। एनएससी और बीएससी दोनों जगह पे इसकी लिस्टिंग होगी 9 अक्टूबर मंडे को। इसमें लास्ट पेमेंट का डेट 27 अक्टूबर 5 बजे तक आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखने के बाद अगर सब्सक्रिप्शन स्टेटस ठीक ठाक रहती है तो आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं, वरना आप पेमेंट को छोड़ दें तो आपका आईपीओ यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। पहले अप्लाई कर दें, पेमेंट आप बाद में करें, जब तक समय दिया गया है आप पहले सब्सक्रिप्शन स्टेटस देख लें, इसके बाद पेमेंट करें। अभी चलिए देखते हैं इसका एक लॉट में कितने इसमें शेयर क्रेडिट किए जाएंगे। अगर आपने इसका प्राइस रेंज जो तय किया गया है, प्राइस रेंज 280 से 320 का इसका प्राइस रेंज तय किया गया है, यानी कि लोअर रेंज 280 का, हायर रेंज 300 का है। 20 रुपए का इसके बीच में रेंज दिया गया है, 20 रुपए का फासला दिया गया है। एक लॉट में 50 शेयर क्रेडिट किए जाएंगे। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एक लॉट परचेज करने पड़ेंगे जिसमें 50 शेयर मिलेंगे, 15,000 टोटल इन्वेस्टमेंट होगा। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो करनी है 1,95,000 इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है रिटेल कैटेगरी में, जिसमें 13 लॉट खरीदने पड़ेंगे, 650 शेयर मिलेंगे। एसएचएनआई कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2,10,000 का यहां पर टोटल इन्वेस्टमेंट होगा, मिनिमम इन्वेस्टमेंट, और इसमें 14 लॉट खरीदने पड़ेंगे जिसमें 700 शेयर मिलेंगे। एसएचएनआई कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 9,90,000 किए जाएंगे जिसमें 66 लॉट खरीदने पड़ेंगे, 3,300 शेयर मिलेंगे। बीएचएनआई कैटेगरी में 67 लॉट खरीदने पड़ेंगे जिसमें 3,350 शेयर मिलेंगे और टोटल इन्वेस्टमेंट 10,05,000 का इन्वेस्टमेंट होगा। अभी हम लोग इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट देख लेते हैं। इस कंपनी का 3 साल का फाइनेंशियल रिपोर्ट उपलब्ध है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे एसेट यानी कि कुल संपत्ति इस कंपनी की 2021 में 579.49 करोड़ की थी, जो कि 2022 में बढ़कर के 874.57 करोड़ की होगी और 2023 में बढ़कर के 1216.95 करोड़ की होगी। रेवेन्यू यानी कि आय 1216.35 करोड़ थी 2021 में, जो कि 2022 में बढ़कर के 1497.89 करोड़ हो गई। 2023 में एक लंबा उछाल लगा है और 1182.9 करोड़ हो गई। प्रॉफिट 2021 में 47.56 करोड़ थी, 2022 में 57.37 करोड़ थी और 2023 में इसमें प्रॉफिट घटता हुआ नजर आया, 34.60 करोड़ हो गई। यानी कि इसमें कुछ प्रॉफिट्स घटता हुआ नजर आया 2023 में, लेकिन एक प्रॉफिटेबल ही है, लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है। इसकी टोटल नेटवर्थ 285.26 करोड़ थी 2021 में, 2022 में 340.43 करोड़ थी, 2023 में 380.89 करोड़ है। टोटल ब्रोइंग यानी कि इसकी उधारी 11.61 करोड़ थी 2021 में और 2022 में 58.68 करोड़ थी और 2023 में इसके पास लंबा उधारी है यानी कि 176.54 करोड़ की इसकी उधारी है। इसकी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देख लेते हैं। पीई यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसकी 44.31 करोड़ है। मार्केट कैप 2001 करोड़ है। आरओई 9.40% है। आरओसीई 14.17% है। डेप्ट यानी इस कंपनी के पास डेप्ट भी है, 0.46 करोड़ की इसकी डेप्ट है। ईपीएस यानी कि इम्प्लॉय पेंशन स्कीम इसके पास अच्छा है, 6.77 करोड़ की है। और रिटर्न ऑफ नेटवर्थ इसमें कुछ खास नहीं दिख रही है, 9.34 करोड़ है, यानी कि 10% से भी नीचे है रिटर्न ऑफ नेटवर्थ, तो एक कंपनी के लिए थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट हो जा रहा है। एक कंपनी ठीक ठाक है, इसकी
फाइनेंशियल रिपोर्ट भी ठीक है, बट इस साल इसको जो प्रॉफिट हुआ कुछ कम प्रॉफिट है, और इसकी जो रिटर्न ऑफ नेटवर्थ है वो थोड़ा सा कम देखने के लिए मिल रही है, 10% से कम है। तो ये निवेशकों के लिए और कंपनी के लिए और आईपीओ के लिए निगेटिव पॉइंट है। चलिए इसका कामकाज देख लेते हैं, इसका कामकाज क्या है, इसका बिजनेस प्लान क्या है, किस तरीके से ये वर्क करता है। 1990 में एक कंपनी का निगमित हुआ था, इनक्रोप्टेड कंपनी है, अपडेटर सर्विसेज लिमिटेड सुविधा प्रबंधन सेवाएं और व्यवसाय सहायता सेवाएं प्रदान करता है। कंपनी बिजनेस टू बिजनेस B2B सेवा क्षेत्र में काम करती है, जो व्यावसायिक सेवाओं के एक स्पेक्ट्रम की पेशकश करती है। इसको दो खंडों में वर्गीकृत किया गया, दो खंडों में इसे बांटा गया है। अपडेटर सर्विस लिमिटेड IPO को दो खंडों में बांटा गया है, IFM और अन्य सेवा खंड, और दूसरा जो है BSS खंड है। FM और अन्य सेवा क्षेत्र में उत्पादन सहायता सेवाएं, सॉफ्ट सेवाएं, इंजीनियरिंग सेवाएं, वॉशरूम और स्त्री स्वच्छता, गोदाम प्रबंधन, सामान्य स्टाफिंग और भी कुछ इसमें शामिल है। BSS सेगमेंट में कंपनी सहायक कंपनी मैट्रिक्स के माध्यम से ऑडिट और इंश्योरेंस सेवाएं प्रदान करती है। UDS अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से कर्मचारी पृष्ठभूमि सत्यापन जांच सेवाएं, हवाई अड्डा ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं, बिक्री सक्षमता सेवाएं और भी बहुत कुछ इसमें शामिल है। 30 जून 2023 तक UDS ने विभिन्न क्षेत्रों में 2797 ग्राहकों की सेवा प्रदान की है, जिसमें कुछ वैश्विक और भारतीय ग्राहक जैसे प्रॉक्टर एवं गैम्बल होम प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स लिमिटेड है P&G, आदित्य बिरला फैंसन एंड रिटेल लिमिटेड, माइक्रोसॉफ्ट शामिल है, मोटर इंडिया लिमिटेड, शेट गबिन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और भी इसमें कुछ ग्राहक शामिल है। तो एक कंपनी के लिए कंपनी काम तो ठीक ठाक करती है, लेकिन इसको थोड़ा सा इसका रिटर्न ऑफ नेटवर्थ है एक कंपनी के लिए निगेटिव पॉइंट है, और इसमें कोई आगे ज़्यादा कुछ विशेषताएं इसमें देखने के लिए नहीं मिल रही है कि मैं इसमें अप्लाई करने के बारे में सोचूं। इसमें कुछ सेवाएं ऐसा दिखता जो कि डिमांडेबल होता, एक कंपनी इस फील्ड में काफी ज्यादा कंपटीशन है, कंपटीशनेबल काम करती है, इस फील्ड में काफी ज्यादा कंपटीशन है, एक कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है, लेकिन इसकी थोड़ी सी एक निगेटिव पॉइंट देखने के लिए मिल रही है, तो थोड़ा सा डाउट हो रही है। चलिए अभी इसकी हम लोग GMP देखते हैं, इसके बाद में हमें समझ में आएगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए कितना फायदेमंद है, क्या हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे, लिस्टिंग गेन के लिए करेंगे, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। उससे पहले अभी हम लोग GMP देखें। जैसे ही IPO का अनाउंसमेंट होता है 5 से 6 दिन पहले GMP स्टार्ट हो जाती है, बट इसकी GMP देखें 20 नवंबर से इसकी GMP दिया हुआ है, 20 नवंबर से 24 नवंबर तक इसकी GMP बिल्कुल जीरो है, यानी कि कॉस्ट टू कॉस्ट में अनलिस्टेड मार्केट में कॉस्ट टू कॉस्ट में ही ट्रेड कर रही है, 300 पर ही ट्रेड कर रही है, तो इसमें GMP के बारे में तो बिल्कुल ही जीरो है। तो इससे पता चलता है कि इस कंपनी में लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, निवेशकों का इंटरेस्ट नहीं है, जब तक निवेशकों का इंटरेस्ट बढ़ेगा नहीं GMP बढ़ेगी नहीं, और इसमें सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी नहीं बढ़ेगा। तो निवेशकों का डिमांड इसमें होना चाहिए था, इंटरेस्ट होना चाहिए था, बट एक इस कंपनी में निवेशकों का इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, तो इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा हमारे लिए। लेकिन अगर भविष्य में इसमें कुछ बदलाव देखने के लिए मिलेंगे तो हो सकता है IPO लिस्टिंग के बाद इसमें लोगों का इंटरेस्ट देखने के लिए मिले, लेकिन अभी इस IPO में कोई निवेशकों का कोई ज्यादा इंटरेस्ट देखने के लिए नहीं मिल रहा, तो इस IPO से हम लोग दूर रहें वही बेहतर है। इससे बढ़िया है JSW इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग अप्लाई करें तो ज्यादा बेहतर होगा, भले उसमें लिस्टिंग गेन पर हमें कुछ ना मिले, लेकिन आने वाले समय में अच्छा बेनिफिट्स देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वो डेप्ट फ्री कंपनी है और इस कंपनी में डेप्ट है, तो ये निगेटिव पॉइंट है कंपनी के लिए, तो हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें, इस IPO से हम लोग दूर रहें तो हमारे लिए बेहतर होगा। खास करके मैं इस IPO से दूर रहने वाली हूँ, इसमें मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं होने वाला है, मैं इस IPO को अप्लाई नहीं करने वाली हूँ। आई होप ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे, यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, एंड कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आप इस IPO में अप्लाई करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।